नमस्कार, मैं शिवानी और बिहारी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव अब हम लोग के बीच में नहीं रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि राजू श्रीवास्तव का निधन हो चुका है। आज एम्स हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली। बीते 10 अगस्त से वो हॉस्पिटल में एडमिट थे और आज आखिरकार उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। ऐसे में आज हम आपको उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे। उनके स्ट्रगल भरी लाइफ में आज वो कॉमेडी किंग के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि उन्हें कभी ऑटो रिक्शा चलाना पड़ा था। तो ऐसे में आज हम लोग जानेंगे, राजू श्रीवास्तव एक जिंदा दिल इंसान थे। उनका जन्म 25 दिसंबर 1963 में हुआ था। उनके पिता रमेश चंद्र श्रीवास्तव एक कवि थे। राजू के अंदर ये कॉन्फिडेंस उनके पिता से ही मिली। हालांकि राजू को कवि नहीं बनना था, उन्हें एक कॉमेडियन बनना था। उनके कॉमेडी का स्टाइल किसी के भी चेहरे पर हंसी ला देती थी। राजू श्रीवास्तव ने अपनी लाइफ में काफ़ी मुश्किलों का सामना किया है। यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल किए हैं। जब वो मुंबई में काम की तलाश में थे और पैसे नहीं होते थे तो ऑटो चला कर अपना गुजारा किया करते थे। राजू श्रीवास्तव ने अपने करियर की शुरुआत एक टीवी शो से की थी। वह शो टी टाइम मनोरंजन में नज़र आते थे। इस शो में ब्रजेश हिरजी और सुरेश मैनन के साथ वो नज़र आते थे। हालांकि राजू को पॉपुलैरिटी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से मिली। गजोधर भैया बनकर राजू श्रीवास्तव ने सबका दिल जीत लिया। वो जो गजोधर भैया का जो डायलॉग है अभी भी रील्स में लोग इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी रील्स बनाते हैं। उसका एक वीडियो हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये रहा, ये अपना टैलेंट छूटा है बाजू है। अरे पूरे पब्लिक उल्टा यादव ये संकटा गजोधर बिरजू ये अपना टैलेंट छूटा। और ये इस पे रील्स बनाने वालों की कमी नहीं है और इस पे कई लोगों ने रील्स जमकर बनाया है। हालांकि वो इस शो के विनर नहीं रहे, लेकिन उन्होंने अपनी एक ख़ास पहचान बना ली थी। बस इसके बाद तो राजू श्रीवास्तव ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कॉमेडी शोज़ को लेकर अपने स्ट्रगल के बारे में राजू ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब मैं मुंबई आया था लोग कॉमेडियन को ग्रेट एक्टर नहीं समझते थे। उस वक्त जोक्स जॉनी वॉकर से शुरू होकर जॉनी लीवर तक ख़त्म हो जाते थे। तब स्टैंड अप कॉमेडी की कोई जगह नहीं थी, तो मुझे जो जगह चाहिए थी वो नहीं मिली। राजू की पॉपुलैरिटी और टैलेंट को देखते ही उन्हें बिग बॉस शो में बुलाया गया था। वह शो तो नहीं जीते, लेकिन ऑडियंस को एंटरटेन बहुत किया। इसके अलावा राजू ने पॉलिटिक्स में भी एंट्री मारी। राजू पहले समाजवादी पार्टी में थे और फिर वह बीजेपी में आए। अगर उनके द्वारा की गई फिल्मों की बात करें तो राजू ने साल 1988 में फिल्म तेजाब से करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद राजू फिल्म मैंने प्यार किया, बाजीगर, मिस्टर आज़ाद, आमदनी ठनी खर्चा रुपया, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, बॉम्बे टू गोवा में नज़र आए। इसी के साथ हम आपको राजू श्रीवास्तव का कुछ और वीडियोस दिखाना चाहेंगे जो वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाला किया करते थे। नमस्कार, कुछ नहीं, बस बैठे हैं। जिंदगी में ऐसा काम करो, जिंदगी में ऐसा काम करो, कभी यमराज भी आए आपको लेने तो कहे अरे बैठिए, आप भैंसे पे आप बैठिए, नहीं भैंसे पे आप बैठिए, नहीं नहीं आप पैदल चलने अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं देखिए, आप भले आदमी है, नेक आदमी है, आप बैठे आइए, आप भैंसे पे आप बैठिए, मैं पैदल चलूंगा, मैं पैदल चलूंगा, ऐसे बन गए। अरे चाची चाची नमस्ते। तो राजू श्रीवास्तव ऐसे ही बिल्कुल जिंदा दिल किस्म के इंसान थे। आज उनके निधन के बाद राजू श्रीवास्तव का सफ़र हम लोगों के साथ बस इतना ही रहा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में हिम्मत दे। धन्यवाद।